नमस्ते दोस्तों, एक सफरनामा सुकून से भरा में आप सबका स्वागत है। आज हम भावनगर की उस ऐतिहासिक जगह पर आए हैं जहाँ के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। हम आए हैं भावनगर के लक्ष्मण धाम में। लक्ष्मण जी का मंदिर पूरे भारत में सिर्फ तीन जगह पे है। एक है खजुराहो मध्य प्रदेश में, और दूसरा है भरतपुर राजस्थान में, और तीसरा है हमारे गुजरात के भावनगर में। तो चलिए हम आज मुलाकात लेते हैं इस भावनगर के ऐतिहासिक मंदिर लक्ष्मण धाम के। तो चलिए मेरे साथ। ये पूरी हाइट पे है मंदिर, तो हम देख सकते हैं। और फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के पोडियम में, और यहाँ से पूरा मंदिर दिखेगा, और हम आगे जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, 11 साल पुराना ये मंदिर एक भक्त की भक्ति के लिए बनाया गया है। तो हम बात कर रहे हैं भावनगर के भगा तलाव एरिया में रहे थे दशाश्री माली वैष्णव वणिक एक भक्त की, जिनका नाम है देवजी भगत। देवजी भगत लक्ष्मण जी के अनन्य भक्त थे और लक्ष्मण जी का ध्यान करते थे, हर रोज़ ध्यान करते थे। तो एक बार उनके ध्यान में लक्ष्मण जी आए, और लक्ष्मण जी ने उनके ध्यान में कहा कि आप हमारी भक्ति कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं हैं, आपके पास ही है, आपके साथ ही है। फिर देवजी भगत ने इस जगह पे खुद काम शुरू करवाया, और यहाँ पे खुद काम करते हुए अनुसरह पहले लक्ष्मण जी की मूर्ति मिली, फिर राम जी की मूर्ति मिली, और उसके बाद सीता मैया की मूर्ति मिली। तो देवजी भगत इन तीनों मूर्तियों की रोज़ पूजा करते थे। फिर ये सब हमारे महाराजा नेक नामदार श्री भगत सिंह जी महाराज को पता चला, तो उन्होंने 1854 में इस मंदिर का शिलान्यास समारोह करवाया। रामनवमी के दिन ही इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। एक साल बाद महाराजा श्री नेक नामदार भगत सिंह जी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्राण प्रतिष्ठा के रामनवमी के दिन ही हो गई थी इस मंदिर की। तो उस दिन बहुत ही भक्तजन आए थे और बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो उसके बाद हर रामनवमी के दिन पे यहाँ पे मेला लगता है, और मेले की परंपरा शुरू हो गई थी। इतना ऐतिहासिक मंदिर आप देख रहे हैं, इतना भव्य और इतना बड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मंदिर है, और बहुत ही भव्य इसका घुम्मट है। इतना सुंदर घुम्मट यहाँ पे बनवाया गया है। 1895 में फागुन मास में भगवान श्री स्वामीनारायण ने ये देवजी भगत की धर्मशाला में आए थे, और 3 रात तक यहाँ पे रहे थे। सदा व्रत के लिए तांबा की जो आपको ये कोठी दिखाई दे रही है, वो कोठी में अनाज रख के सदा व्रत शुरू किया था भगवान स्वामीनारायण ने। और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, वो पत्थर की शिला पर बैठ के भगवान श्री स्वामीनारायण स्नान करते थे। तो तीन दिन तक इस कोठी में से, इतनी छोटी कोठी में से अनाज ख़त्म नहीं हुआ था, और सबको अनाज दिया था भगवान श्री स्वामीनारायण ने। तो ऐसी बहुत ही प्रसादी की चीज़ें यहाँ पे हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक है। अभी जो आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है यहाँ पे राइट साइड में, मंदिर की राइट साइड में, उसका भी बड़ा इतिहास है। ये देवजी भगत हैं, यात्रा लोगों के लिए कभी दुष्काल हो तो उसमें पानी की अछत ना हो, इसी हेतु से यहाँ पे इसी जगह पे खुद काम करवाया था, और एक वाव बनवाई थी। तो वो जो खोद काम करवाने के बाद यहाँ पे वाव में से खोद काम करते हुए अन्नपूर्णा माँ की यही मूर्ति मिली थी 1854 में। तो वही अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे भावनगर के पूरे शहर में सबके घर में रसोई बंद थी, और सबको यहाँ पे पानी पिलाया था और खाना भी खिलाया था। और उसके बाद से हर साल बाक्षुर छठ के दिवस, यानी कि चंपा छठ के दिवस दिन में अन्नपूर्णा जी की चैतन्य मूर्ति का 21 दिन का अन्नपूर्णा व्रत यहाँ की सारी बहनें और महिलाएं करती हैं।